नवानी जी कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, किसके लिए? अभी तक के काम चल रहा है उसका, मुश्किल से मेरे हिसाब से 20 या 30 मिनट आज कंप्लीट कर लेंगे वाला काम। मैं भी जाऊंगा किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे जी? आज ये हमारी जो आगामी हमारा टूरिस्ट सीजन जो ऐसा आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है, लगभग टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है, उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे PWD के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइन्स जा रही हैं जैसे UPSL की कुछ पावर लाइन्स जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइन्स जा रही हैं, तो आपस में PWD और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। ऐसे ही जो है हमारा सीवर लाइन का जो हमारा कैमल बैग पे काम चल रहा था उसको भी है 10 मई तक कम्प्लीट कर लेंगे विभाग द्वारा, कर लिया जाएगा और उसकी कंक्रीटिंग करके 15 मई तक पूरे मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा आवागमन के लिए अच्छे से। इसी तरीके से और जो अन्य हमारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो पानी की सप्लाई की अगर कहीं पर कंप्लेंट्स हैं उनको रिव्यू किया गया है जल निगम और जल संस्थान के साथ में बिंदु लेकर। उसके अलावा हमारे पास में जो गनहिल का जो काम चल रहा था उसमें कुछ इश्यूज आए थे ऑगमेंटेशन के, पानी की सप्लाई बढ़ाने के रिलेटेड, तो उसका भी कार्य जो विभाग द्वारा बताया गया कि आज पूर्ण कर लिया जाएगा, टैंक से कनेक्टिविटी है तो कल से सप्लाई जो है वहाँ पर और बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है कुछ हैं, उसमें एक पॉइंट ये आया था कि पिक्चर पैलेस जो है वहाँ पर टैक्सी यूनियन की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, जो लाइन वहाँ पर पिटा रखी है वो सड़क उसको भी घेराव उन्होंने कर रखा है, तो उसके लिए एक अलग से बैठक जो है टैक्सी यूनियन के साथ में एक कॉल की जा रही है और उसमें एक कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा कि कैसे उसको रेगुलेट किया जा सके। बाकी अन्य विभाग जो हैं सभी विभागों को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ का आकलन करने के लिए बताया गया है कि कोई भी ऐसा जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई विभाग की कोई प्रॉपर्टी ना हो जो बारिश के समय केविन कर सकती है या डैमेज होने से किसी को खतरा हो उससे, तो उसके बारे में भी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। बाकी हमारे जो मुख्य विभाग हैं PWD विभाग के साथ में NH के साथ में उनकी जो टाइल वर्क्स हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया, वो रात को 12 से सुबह 5 बजे तक उसमें काम कर रहे हैं लगातार और टाइलिंग का काम आज रात से उसमें स्टार्ट हो जाएगा DBM का काम होने के बाद में, तो रात को 12 से 5 तक वो कार्य करेंगे और लगभग 50 मीटर के आसपास उन्होंने बताया है कि काम डेली बेसिस पे किया जाएगा टाइलिंग लेट करने का। इसके अलावा हमारे जल संस्थान, जल निगम और पर्यटन और पुलिस और फायर और जो है फॉरेस्ट विभाग के साथ में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। सर जैसे कि पुलिस की बहुत कमी रहती है पर्यटन सीजन को लेकर, उसकी लिए क्या तैयारी है? जी पुलिस में हमने भी पत्र लिखा है अपनी तरफ से पुलिस की नफरी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, इस संदर्भ में स्पेशली हमने CO और SHO साहब के साथ में हमने यहाँ पर मीटिंग की थी अलग से डेडिकेटेड, और उसमें जो वीकेंड्स पे जो है जब हमारा टूरिस्ट जो है ज़्यादा मतलब उसमें आता है, भीड़ काफ़ी रहती है, तो वहाँ से टेम्परेरी नफरी बढ़ाई जाती है, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, PAC भी यहाँ पर भेजी जाती है। दोबारा से लिखा गया है कि नॉर्मल टाइम पे भी उसकी नफरी को बढ़ाया जाए। जैसे टैक्सी स्कूटियाँ सर, अक्सर टैक्सी स्कूटियाँ देखिए जाम का कारण रहती है, तो आज परिवहन विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए हैं प्रदान निकालने के लिए। बिल्कुल, उसमें हमने जो है PWD को भी अवगत कराया है इस चीज़ से कि वहाँ पर क्रैश बैरियर लगा दिए जाएं। इस संदर्भ में SHO से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी और उसी के बेसिस पे हमने भी आगे पत्र लिखा है कि उस पर क्रैश भेजा है, उसके बारे में जो है कॉलोनी के बारे में अभी बिना जांच के मैं आप टेक्निकल चीज़ है तो उसमें कमेंट करना ठीक नहीं होगा, बट जहां तक उसके ट्रीटमेंट का काम है तो उस पर बाकायदा जो है काम चल रहा है, जो भी सेफ्टी वर्क्स हैं वो किए जा रहे हैं और वो चूंकि एक विस्तृत योजना है, बड़ी योजना है, समय लगेगा उसको पूरा कंप्लीट करने में जो पर्यटन रहे हैं, बट चूंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है तो इस वजह से एसोसिएशंस को हमने नहीं बुलाया है, मीटिंग इसलिए विभागों के साथ की है,
बट कोई भी आम जनमानस यहाँ के हमारे आकर अपना किसी को अगर कोई ग्रीवांस है तो वो आके अपनी बात रख सकते और रखते भी हैं लोग डेली बेसिस पर। अतिक्रमण के खिलाफ जो है ज्वाइंट कार्रवाई भी की जाएगी, फॉरेस्ट विभाग के साथ भी कार्रवाई की जाएगी और MDDA को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। पीछे ही कुछ होटल्स को सील करने के या जो भी अवैध निर्माण थे उनको सील करने के आदेश भी पारित किए गए हैं MDDA द्वारा और इसमें लगातार कार्य किया भी जाता है। पहले भी मॉल रोड पे लाइब्रेरी चौक के पास में इसी तरीके की कुछ गतिविधि हुई तो उनको तुरंत हटाया गया था। शिकायत है किसी की तो भी आप हमारे संज्ञान में डाल सकते हैं, इस पर कार्रवाई जरूर की रिव्यू किया जाएगा एज पर डिमांड की भी। अगर हमारे जो टूरिस्ट सीजन में अगर उनको काम बंद करने की आवश्यकता है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। सवाल अधिकारी को भी उसमें लिखा गया है कि इस पे जो है संबंधित नियम कानून के प्रावधान के हिसाब से वो कार्रवाई करें। अगर उसमें NOC उनको चेक कराया जाएगा कि उसमें NOC किस बेसिस पे निर्गत की गई है।